हेलो फ्रेंड्स एंड एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न ग्रो एवरीडे विद स्निग्धा तो इस वीडियो में हम आपकी पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री का डिटेल्ड सिलेबस एनालिसिस करने वाले हैं और उसको प्रिपेयर करने के लिए व्हाट दैट यू कैन यूज वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं सो लेट्स बिगेन द डिस्कशन आगे बढ़ने से पहले देखिए मैं ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स पे यूपीएससी रेलिवेंट टॉपिक्स पे वीडियोस बना चुकी हूँ जैसे कि हाउ टू स्टार्ट अपन हाउ टू रीड न्यूज़पेपर हाउ टू राइट यूपीएससी आंसर हाउ टू मेक नोट्स हाउ टू रिवाइज आपकी कंप्लीट प्रेपरेशन स्ट्रेटजी मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज में डिस्कस कर चुकी हूँ तो प्लीज़ आप यूपीएससी स्ट्राटजी पे प्लेलिस्ट या यू राइटिंग प्लेलिस्ट या सिलेबस प्लेलिस्ट में जाइए और ये सारी वीडियोज चेक कीजिए और आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब My channel. Now let's begin the discussion. तो देखिए मैं आपको पिछले वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि हिस्ट्री का सिलेबस वी कैन डिवाइड इनटू फाइव पार्ट्स इंडियन कल्चर आर्ट या एशियन मिडीवल फिर उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री देन पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड सो दीज थ्री पार्ट्स हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड आप जाके यू सिलेबस प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं तीनों की स्ट्रैटेजी एंड रिसोर्सेज इस वीडियो में हम पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री का सिलेबस एंड रिसोर्सेज वी विल डिस्कस तो देखिए पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में से क्वेश्चंस जो मेंस में में और प्री भी आते हैं बट उनका प्रोपोर्शन इतना ज़्यादा नहीं होता है तो दैट मीन्स कि ये देखिए पार्ट तो हर पार्ट इंपॉर्टेंट है अगर एक क्वेश्चन भी आए एक क्वेश्चन ऑल्सो मेक्स अ वेरी बिग डिफरेंस तो आपको हर एक क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है बस ये बात है कि आप ज्यादा टाइम इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे आप थोड़ा ही टाइम लेंगे अपनी प्रेपरेशन पूरी ईयर का जैसे कि 15-20 दिन और उसमें आप ये एक बुक जो इसके लिए जरूरी है दैट यू ट्राई टू कम्प्लीट जितने भी जल्दी आप कर सकते हैं और डिटेल्ड जो टॉपिक्स आपको डिस्कस या कवर करने हैं इसमें वो हम यहाँ डिस्कस करते हैं सबसे पहले तो देखिए पोस्ट इंडिपेंडेंस सबसे पहले तो आपको इंडिया की कंडीशन ही एनालाइज करनी पड़ेगी कि जब इंडिया ब्रिटिश रूल से कॉलोनियल रूल से आज़ाद हुआ तो उसके सामने चैलेंजेस क्या थे सोशल चैलेंजेस क्या थे इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या थे एग्रीकल्चर की कंडीशन क्या थी इंडस्ट्री की कंडीशन क्या थी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की कंडीशन क्या थी ट्राइबल इश्यूज क्या थे ठीक है फिर इमीडिएट इश्यूज जो थे उस टाइम पे पार्टीशन हुई थी उसकी वजह से रिफ्यूजी क्राइसिस भी था पाकिस्तान के साथ रिलेशंस भी बहुत अच्छे नहीं थे उसके बाद इंडिया जो है 500 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड था तो प्रिंसली स्टेट्स की इंटीग्रेशन भी एक इशू थी ठीक है कंडीशन ऑफ इंडिया इन ऑल आस्पेक्ट सोसाइटी कैसी थी लिटरेसी रेट कैसा था वेमेन की सिचुएशन कैसी थी कास्ट इश्यूज क्या थे तो मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंट होने के बाद इंडिया के सामने जो भी सारे चैलेंजेस थे वो आपको यहाँ पे कवर करने हैं एंड हाउ इंडिया ओवरकेम दोज चैलेंजेस इंडिया ने क्या मेजर्स लिए फाइव ईयर प्लानिंग न्यूक्लियर पॉलिसी ब्यूरोसी आर्मी इंटीग्रेशन वो सब आप यहाँ पे कवर करेंगे ठीक है इसके बाद वही आप इंडिया की पॉलिसी पे मूव हो जाएंगे कि इंडिया ने क्या क्या पॉलिसीज़ डिफरेंट स्फीयर्स में यू नो अडॉप्ट की ताकि वो ग्रोथ के पाथ पे आगे बढ़ सके और ये जो चैलेंजेस ब्रिटिश छोड़ के गया था हमारे लिए उनको ओवरकम कर सके तो सोशल पॉलिसी क्या थी जैसे कि एजुकेशन में क्या था पावर्टी के लिए इंडिया ने क्या किया गरीब लोगों को या सो कॉल्ड कास्ट लोगों को ऊपर लाने के लिए इंडिया ने क्या पॉलिसीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल या स्कीम्स वगैरह लॉन्च की जैसे कि सी डी एस कम्युनिटी डेवलपमेंट स्कीम ये बहुत इंपॉर्टेंट है फाइव ईयर प्लानिंग प्लानिंग कमीशन सेटअप की गई इसी विजन से ट्राइबल पॉलिसी नेहरू uh, जी की बड़ी फेमस है दैट यू हैव टू रीड इवन यू एन सब्सक्राइब्ड टू दैट ट्राइबल पॉलिसी इसलिए ट्राइबल पॉलिसी करना भी बहुत जरूरी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए भी हमने मेजर्स लिए आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी भी करनी है इंडिया की तो इस तरीके से इंडिया ने जो भी इनिशियेटिव लिए पोस्ट इंडिपेंडेंस टू इम्प्रूव इट्स कंडीशन दैट यू हैव टू कवर है नेक्स्ट यू विल मूव टू द इशू ऑफ स्टेट रिओर्गनाइजेशन बहुत सारी स्टेट्स डिमांड कर रही थी कि हमें लिंग्विस्टिक बेसिस पे यू नो रीअरेंज कर दिया जाए तो इस पे भी पूरी जो जर्नी चली है डिफरेंट कमिटीज़ uh, धार कमिटी एल जे पी वी कमेटी जितनी भी कमिटीज़ एंड कमीशन इस पर बैठी हैं वो भी आपको कवर करनी है और उनके आउटकम्स आपको कवर करने हैं प्री और मेंस दोनों में दो क्वेश्चन आ सकता है द्रविडन मूवमेंट क्या थी वो आपको करना है डिस्कस कॉजेज क्या थे वॉज इट सक्सेसफुल और नॉट अगर नहीं सक्सेसफुल थी तो क्या कारण थे वो आप डिस्कस करेंगे उसके बाद लैंग्वेज क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी इस पर आपको यू नो पूरी डिटेल स्टडी करनी है हिंदी क्यों नहीं हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज बन सकी क्या इश्यूज थे उसमें ये सब आपको लैंग्वेज क्वेश्चन के टॉपिक में कवर करना है ठीक है उसके बाद आप पहुंच जाएंगे इंडिया के रिलेशंस विद इट्स नेबर्स इंडिया की वॉर्स जो पाकिस्तान चाइना के साथ हुई तीन वॉर्स उसके बाद बांग्लादेश फॉर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पेशली इस साल और अगले साल में के लिए क्योंकि 50 इयर्स ऑफ बांग्लादेश फॉर्मेशन हमने इस साल सिक्सटीनथ दिसंबर को सेलिब्रेट किया है तो इसीलिए बांग्लादेश फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपको यू नो इंडिया पे प्राउड फील होगा व्हेन यू विल रीड हाउ इंडिया सक्सेसफुली क्रिएटेड वेस्ट पाकिस्तान सॉरी ईस्ट पाकिस्तान इनटू बांग्लादेश बहुत ही अच्छी स्ट्रैटजी इंडिया ने मल्टीपल स्ट्रैटीज़ यूज़ की थी तो इसे भी आप डिटेल में कवर करेंगे कि इंडिया ने स्टेप्स क्या लिए किस तरीके से बांग्लादेश फॉर्मेशन में यू नो हेल्प की और उसके रिजल्ट्स क्या थे और ये सब आपको इसमें कवर करना है सारी वॉर्स कवर करनी है उनके कॉन्सिक्वेंसेज उनके रीजंस ऑफ हैपनिंग वो सब आपको कवर करना है नेक्स्ट यू विल मूव टू इंडिया फॉरेन पॉलिसी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक नाम Uh, नाम होता क्या है हाउ डिड इट ओरिजिनेट इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन क्या थी इज़ इट रेलिवेंट इन करंट कॉन्टेक्स्ट ये सबसे इम्पॉर्टेंट है यू uh, नो you know, आपके फॉरन मिनिस्टर एस जय शंकर साहब ने भी नाम पे कमेंट किया है दैट वी वॉन्ट स्ट्रैटेजिक अटोनमी तो ये वर्ड्स एंड की वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तो उससे रिलेट करके करंट से रिलेट करके भी आपको नाम का टॉपिक पढ़ना है दैन नेक्स्ट यू नो हेडिंग ऑफ इंडियाज़ फॉरन पॉलिसी इज़ पंचशील पंचशील पर भी आप पढ़िए हाउ इट इवॉल्ड इसके प्रिंसिपल्स क्या है इसकी रेलिवेंस क्या है इवन इन करंट कॉन्टेस्ट उसके बाद हर कंट्री के साथ इंडिया के रिलेशन कैसे थे एट इंडिपेंडेंस एंड इन द सबसिक्वेंट ईयर्स यू एस ए के साथ रिलेशन कैसे थे यू एस ए सार के साथ कैसे थे या ऐसे फ्रांस वगैरह तो प्रोमिनेंट कंट्रीज़ के साथ इंडिया के रिलेशन्स कैसे थे उस टाइम पे वो भी आपको यहाँ कवर करना है तो नेक्स्ट आप मूव करेंगे इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी या इंटरनल पॉलिटिकल चैलेंजेस पे जैसे कि नक्सलिज्म का इशू बहुत प्रोमिनेंट था उस टाइम पे हाउ इट इवॉल्व्ड इसकी लीडरशिप क्या थी इसकी आइडियोलॉजी क्या थी इनकी इंस्ट्रूमेंटैलिटीज़ क्या थी कॉजेज क्या थे नक्सलिज्म के इवॉल्व होने के वो आपको सब डिस्कस करना है ये आपके सिक्योरिटी पार्ट जो जी एस थ्री का पार्ट है उसमें भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है तो आप दोनों को कंबाइन करके भी पढ़ सकते हैं या यहाँ पे आप इसका हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव पढ़ लीजिए बाकी आपको करंट रिलेटेड जो है आप सिक्योरिटी में कवर कर सकते हैं ठीक है उसके बाद नेक्स्ट कम्युनलिज्म बहुत इम्पोर्टेंट जो है इंडिया में टॉपिक है तो ये भी आपको कवर करना है हाउ इट ओरिजिनेटेड रीजन क्या थे हाउ इट इवॉल्ड वो सब आप इसमें डिस्कस करेंगे पंजाब का क्राइसिस 1984 ब्लू स्टार ऑल दैट स्टफ ऑल दो उस पर क्वेश्चन पूछे जाना की पॉसिबिलिटी बहुत कम है बट यू मस्ट नो कि हिस्ट्री में चल क्या रहा था यू नो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दे हेल्प यू आंसर क्वेश्चन दैट यू हैव नेवर हर्ड ऑफ मतलब अंडरस्टैंडिंग से ही आप बहुत कुछ आंसर करते हैं इसलिए बेसिक्स आपको हर चीज के पता होने चाहिए इसीलिए कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है सच कंटिन्यूस जो हिस्ट्री चलती आ रही है इंडिया की वो आप कंप्लीटली यू नो कवर कीजिए उसके बाद रीजनल इश्यूज आप कवर करेंगे असम में क्या चल रहा था वेस्ट बंगाल में क्या चल रहा था असमीज और बंगालीज का कॉन्फ्लिक्ट क्या चल रहा था लैंग्वेज राइट्स जो हुए वहाँ पे वो आपको करने हैं तो इसीलिए रीजन्स में भी हमारे डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हो रही थी मणिपुर में यू नो रिफ्यूजी क्राइसिस वहाँ उस नॉर्थ ईस्ट में वो सब भी आपको यहाँ पे कवर करना है इंडिया की इंटरनल पॉलिटिकल एंड यू नो सिक्योरिटी इश्यूज को आपको कवर करना है इमरजेंसी ऑब्वियसली एन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉजेज एंड रिजल्ट कॉन्सिक्वेंसिस ये सब आप कवर करेंगे इसमें ठीक है उसके बाद यू विल मूव टू द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया फाइव ईयर प्लान प्लानिंग कमीशन ग्रीन रेवोल्यूशन ऑपरेशन फ्लड ठीक है कोऑपरेटिव मूवमेंट जो स्टार्ट की या मुल्क कोऑपरेटिव जो एस्टैब्लिश हुआ लैंड रिफॉर्म्स जो इंडिया ने उस टाइम पे बिगिन किए फाइव टाइप ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इंडिया ने इंट्रोड्यूस किए थे तो वो क्या थे उनकी सक्सेस रेट क्या थी उनकी अचीवमेंट्स क्या थी कॉन्सिक्वेंसेज वो सब आप यहाँ पे कवर करेंगे भूदान मूवमेंट इम्पॉर्टेंट है अगेन इसको भी कवर करेंगे ये रीजनल में जो हमने डिस्कस किया कश्मीर का इशू बहुत इशू इम्पोर्टेंट uh, है वो मैं यहाँ बताना पहले भूल गई कश्मीर का इशू भी आपको यहाँ पे डिटेल में कवर करना है हाउ यू नो कश्मीर केम विन टू महाराजा हरि सिंह का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद इंडिया ठीक है उसके बाद यूएन जो इंडिया गया उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए तो अब करंट इश्यूज क्या चल रहे हैं वो सब आप यहाँ डिस्कस या कवर करेंगे उसके बाद इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी आप कवर करेंगे वाई इंडिया वेंट फॉर न्यूक्लियर यू नो एनर्जी एंड यू नो फॉर न्यूक्लियर फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस ऑफ इंडिया वो आपको यहाँ पे देखना है उसके लिए थ्री स्टेज प्रोग्राम जो इंडिया का है उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर होमी बाबा वो सब आपको इसमें कवर करना है नेक्स्ट आप मूव करेंगे एल रिफॉर्म्स जो नाइनटीन एटीज में सम हाउ स्टार्ट हो गए थे वाई वी ओपनड अप आवर इकोनमी ठीक है इसके पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुए हाउ इट इम्पैक्टेड इंडिया वो सब आपको यहाँ कवर करना है एल पी है क्या इम्पैक्ट क्या है पॉजिटिव नेगेटिव ठीक है आज की डेट में इसका क्या इम्पैक्ट है ये यह सब यहाँ कवर करेंगे उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वुमेन्स मूवमेंट्स इन पोस्ट इम्पोर्टेंट पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया इन्वायरमेंट मूवमेंट्स ऐसी जो भी छोटी या बड़ी मूवमेंट्स या ऑर्गेनाइजेशन बनी थी पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में uh, तो वो आपको कवर करनी है वुमेन्स मूवमेंट में जैसे आप सेवा uh, का सेल्फ हेल्प ग्रुप का इनिशिएटिव ये सब कवर करेंगे मतलब ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जब आप ये स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा इन्वायरमेंट मूवमेंट्स आपको सारी करनी है चिपकू मूवमेंट नर्मदा बचाओ ऐसी बहुत सारी इन्वायरमेंट मूवमेंट्स है वो भी कवर करनी है इसपे एक क्वेश्चन बन सकता है तो ये ब्रॉडली आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री का सिलेबस है ठीक तो रिसोर्स या बुक जो आपको यूज करनी है दैट इज जस्ट वन दैट इज बिपिन चंद्रा की इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस आप फॉलो कर सकते हैं बहुत अच्छी बुक है सप्लीमेंट करने के लिए आप इंटरनेट रिसोर्सेज या गूगल कर सकते हैं अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आता वैसे इट्स अ वेरी डिटेल्ड बुक हर टॉपिक पे आपको यू uh, नो you know, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए ये इसका लेटेस्ट एडिशन है तो आप जो भी लेटेस्ट एडिशन मार्केट में अवेलेबल है वो इस बुक का ले लीजिए और इसको कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर कर लीजिए तो पोस्ट इंडिपेंडेंस का सब डिटेल डिस्कशन यही था आई होप दिस डिस्कशन हेल्प्स अगर आपका डाउट कुछ अभी भी रह गया है तो इट इन द कमेंट सेक्शन आई विल रिस्पॉन्ड टू दैट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग